तो गाइस यहीं पर होने वाला है इंटर का एग्ज़ाम, और अभी से आप देख सकते हैं हम लोग एक दिन पहले आ गए थे एग्ज़ाम देखने के लिए सेंटर कैसा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पढ़ाई भी हो रही है, तो आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। ठीक है, फिर से स्वागत है इस ब्लॉग में। तो आज हम लोग राइडिंग करने वाले हैं दो राज्य, 1 फरवरी है और यहाँ से हम लोग राइडिंग स्टार्ट करके चलने वाले हैं। तो गाइस आज हम लोग सुबह सुबह निकल लिए हैं अंबिका पब्लिक स्कूल घूमने के लिए, क्योंकि आज 1 तारीख से इंटर वालों को एग्ज़ाम है। तो आज मेरा भी सिस्टर का एग्ज़ाम है, तो हम लोग सोचे कि क्यों ना आज घूम लिया जाए अंबिका पब्लिक स्कूल, वहां पर सेंटर को भी हम लोग देख लेंगे। तो अभी हम लोग सुबह सुबह निकल लिए हैं, तो अभी हम लोग यहाँ देखिए थाना के पास पहुँच गए हैं, और थाना से अभी हम लोग निकलेंगे। कहा कि सुबह के 8 बज गए हैं, तो अभी एग्ज़ाम 9:30 बजे से है, तो थोड़ा बहुत जाम होने का संभावना है, बन रहा है, क्योंकि छात्र काफ़ी ज़्यादा में यहाँ पर एग्ज़ाम देते हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ लोग टेम्पो में लाद कर अपना पढ़ाई का सामान और रहने वाला, ये लग रहा है हमको कि ये 10th वाला एग्ज़ाम देने जा रहे हैं लोग अभी से। तो वो भी है, थोड़ा तो भीड़ भाड़ भी मार्केट में काफ़ी रहने वाला है। और तो मेरा सिस्टर का तो 2nd टाइम एग्ज़ाम है 1:30 बजे, तो मेरे को भी उसको ले जाना है, तो सोचा क्यों ना घूम ले रहे हैं। और अंबिका पब्लिक स्कूल भी बहुत दिन हो गया है देखे हुए, तो हम लोग राइडिंग के लिए निकले। थोड़ा सा भी आँख पर चमक रहा है, यहाँ पर देख सकते हो कुछ वो पर्दा लगाया है टेम्पो वाला, इन लोग का साइड ऐसा ऐसा रहता है गाइड की पढ़ के हाँसी छूटेगा। देख कहाँ लिखा है, जादो जी टेम्पो पर लिख के चला भाई, ब्रांड का प्रचार कर रहा अपना कास्ट। तो भीमराव अम्बेडकर जातिवाद मिटाने में थे, और यहाँ तो अभी जादव जी सिंह जी राज बहुत सारा जाता है जो अपना टाइटल लेके चलता है। तो चलिए यहाँ से भी हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा भीड़ हो गया है गोलम्बर के पास, यहाँ से हम लोग राइट टर्न लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग चलते हैं जसोई वाला रोड में एंट्री कर ली है, और यहाँ से भी एकदम स्ट्रेट हम लोग को चलना है और कर्मा रोड पूछेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो गाइस लोग आप लोग थोड़ा बहुत भी प्यार दे रहे हो मेरे लिए बहुत काफ़ी, उतना भी बहुत ज़्यादा है, अपना भी दोगे प्यार तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ज़रूर। प्यार नहीं भी दिए तो क्या हुआ, कुछ नहीं बात है, बस वीडियो बना रहे हम एंजॉय के लिए, और थोड़ा सा हमको नाम भी कमाना है, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग मार्केट वगैरह में घूमते फिरते रहते हैं। और मेरे को तो ब्लॉगिंग का बहुत शौक़ था, तो हम धीरे धीरे वीडियो को बनाते जाएंगे चैनल। और औरंगाबाद में आप लोगों को पार्क वगैरह दिखा दिए हैं, तस्वीरें दिखा दिए हैं, फॉर्म दिखा दिए हैं, और उतना कोई खास चीज़ तो बच नहीं रहा है। इंदौर स्टेडियम भी आप सभी को दिखा ही दिए थे, अगर और चीज़ नहीं देखे हो तो आप हमको कमेंट में बताओ कि ये चीज़ नहीं देखे, तो हम लोग वहाँ पर जाकर वीडियो को शूटिंग करेंगे, फिर उसके बाद आपको हम बताएंगे। तो आगे से हम लोग लेफ्ट टर्न लेते हैं, और यहाँ से अभी हम लोग चलते हैं कर्मा रोड, इसी के अंदर का अंबिका पब्लिक स्कूल है जहाँ पर लोगों का सेंटर पड़ा हुआ है। तो कई हम लोग आ गए हैं अभी अंबिका पब्लिक स्कूल, और इसके अंदर अभी हम लोग जाकर देखने वाले हैं बायोलॉजी लैब, ठीक ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पढ़ाई वगैरह हो रहा है, तो आप लोग को थोड़ा बहुत आवाज़ सुनाई देना चाहिए, अभी हम कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए अभी हम चुपचाप देख रहे हैं। देखिए किस तरह टीचर पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट का बिहेवियर काफ़ी ठीक ठाक है। और देखिए यहाँ पर लैब हो गया, आपको लैब में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं अभी, तो लैब उतना खास भी नहीं है लेकिन है ठीक ठाक, चौड़ैया भी है। अरे बैठो ना रे, बैठो।